हमीरपुर के अणु से बड़ो संपर्क मार्ग पर सफर करना दुर्घटना को न्योता दे रहा है और अणु सड़क से आने पर वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले राहगीरों को भी हर वक्त हादसा होने का अंदेशा बन रहा है। पर कई जगहों पर तो सरिये भी निकले हुए हैं जिससे आवाजाही में दिक्कतें बन रही हैं। बरसात के दिनों में तो इस मार्ग पर जाना मतलब जान जोखिम में डालना बन रहा है क्योंकि हर जगह पर गड्ढे पड़े होने से हर वक्त दिक्कत बन जाती है। हालांकि स्थानीय अणुकला बल के बाशिंदों ने कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग को समस्या के बारे में अवगत करवाया है लेकिन शिकायत करने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग खाना पूर्ति के लिए केवल मात्र मिट्टी से गड्ढों को भर देती है जो कि जरा सी बारिश होने पर भी दोबारा वैसी स्थिति बन जाती है। आजकल बरसात के दिनों में सड़क पर आवाजाही करना मुश्किलों से भरा पड़ा है। इस संपर्क मार्ग से अणुकला बल घनाल मोहिंग रोपा के सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं लेकिन सड़क की हालत को लेकर लोगों में भी गहरा रोष है। स्थानीय लोगों रमेश चंद, सुनील दीवान, रवि कुमार, सतीश आर्यन, नवजीत सिंह, आशीष, अशोक कुमार इत्यादि का कहना है कि बड़ों से अणु संपर्क मार्ग की हालत खराब होने पर छोटे और बड़े वाहन का गुजरना मुसीबतों से भरा बना है इसलिए अक्सर लोग इस सड़क से जाने से किनारा ही करते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार विभाग से भी सड़क को दुरुस्त करने की गुहार लगाई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जिलाधीश हरिकेश मीणा से मांग की है कि संपर्क मार्ग की हालत को जल्द से जल्द सुधारा जाए। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने आज विकास खंड कार्यालय बिजली का औचक निरीक्षण किया तथा बिजली विकास खंड के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विकास खंड बिजली के कार्यालय में विकास खंड की समस्त पंचायतों के सचिव जीआरएस तथा तकनीकी सहायक की आयोजित की गई बैठक में भाग लिया। तथा पंचायतों में चल रहे 14वें वित्त योग तथा मनरेगा के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी पंचायत सचिवों को निर्देश दिए कि वे अपनी पंचायतों में महीने में हर वार्ड से कम दो कार्यों के मस्ट्रोल जारी करें तथा जिन कार्यों के प्रकलन तैयार किए जा रहे हैं उन्हें 25 अगस्त तक अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बिजली विकास खंड की तरफ जाने वाले रास्ते का भी निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को रास्ते को शीघ्र बनाने के निर्देश दिए ताकि विकास खंड में आने वाले आम जन को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। उपायुक्त ने ये भी निर्देश दिए कि पंचायतों में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उनमें अधिकतर कार्यों को मनरेगा के साथ कन्वर्स करें तथा कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा करना सुनिश्चित करें। जिन पंचायतों में विकास कार्य सीमित न आने के कारण रुका है उसके लिए संबंधित पंचायत सचिव एडवांस में सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का एक महीना पहले डिमांड चेक भेज दें ताकि विकास के कार्य नियमित रूप से चलते रहें। जिन पंचायतों में मनरेगा वो 14वें वित्त आयोग के तहत कम पैसा खर्च हुआ है वे उन कार्यों को गति प्रदान करें। उन्होंने उपमंडल अधिकारी और वीडियो को इन कार्यों की मॉनिटरिंग करने तथा वीडियो को प्रोग्रेस रिपोर्ट नियमित रूप से उपायुक्त कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वीडियो अपने कार्यालय में एक महीने के अंदर बोर्ड स्थापित करें और प्रतिदिन दोपहर विभिन्न पंचायतों के निरीक्षण करें तथा उसके बारे में सूचना बोर्ड पर लिखें। साथ ही प्रकलन के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर अपलोड करें। उन्होंने पाड़ू पंचायत के विकास संबंधी कार्यों को भी समीक्षा ली। इस दौरान मौके पर एसडीएम बरसर प्रदीप ठाकुर, तहसीलदार बिजड़ी प्रेम सिंह भाटिया और कार्यकारी वीडियो अधीक्षक चतुर सिंह भी उपस्थित थे। हिमाचल के 5 जिलों में दूध की सप्लाई कर रही बिलासपुर की स्वयंसेवी संस्था कामधेनु हितकारी मंच अब 8.63 करोड़ रुपए की लागत प्रोजेक्ट लगाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट को मंजूरी मिल गई। इसके तहत बिलासपुर जिला के 27 गांवों में दुग्ध प्रशीतन केंद्र स्थापित किए जाएंगे तो वहीं बिलासपुर शहर के नजदीक 20,000 लीटर क्षमता का
मिल्क पाजुराइजेशन प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा नैना देवी हल्के की बस्सी में 73 लाख की लागत से साइलेज मेकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, जिससे संस्था से जुड़े पशुपालकों के साथ ही क्षेत्र की जनता को पशु चारे की सस्ती सहूलियत मिलेगी। ये खुलासा बुधवार को यहाँ टूरिज्म के होटल लेकव्यू कैफे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के अध्यक्ष नानक चंद और सचिव जीतराम कौंडल ने किया है। उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से राज्य सरकार के माध्यम से 9.98 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय को भेजा गया था। इस प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए बीती 25 जुलाई को प्रोजेक्ट सेक्शनिंग कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें 8.63 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बिलासपुर जिला के 27 विभिन्न स्थानों पर दुग्ध प्रशीतन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, यानी एक गांव में हर दिन औसतन 500 लीटर दूध एकत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही बिलासपुर शहर के समीप 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के मिल्क पाश्चराइजेशन प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए शहर के आसपास ही उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। जल्द ही जमीन चयनित कर आगामी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। दरअसल 5,26,91,000 लागत के इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति के लिए भेजा गया था, जिसके तहत 5,05,08,000 की बजट को मंजूरी मिली है।